दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में सोमवार को सुबह दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक एनकाउंटर में दो बदमाशों को मार गिराया। इस दौरान दोनों ओर से करीब 30 राउंड गोलियां चली। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में दो बदमाशों की मौत हो गई। घटना पुल प्रहलादपुर में सुबह करीब 5 बजे की है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बदमाशों को चेकिंग के दौरान घेर लिया। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लग गई। गोली लगने से घायल दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस एनकाउंटर में दोनों ओर से करीब 30 राउंड गोलियां चली। पुलिस ने बताया कि दोनों बदमाशों की पहचान राजा कुरैशी और रमेश बहादुर के तौर पर हुई है, और ये दोनों बदमाश मर्डर के केस में वांटेड थे। साथ ही कहा कि हाल ही में करावल नगर में हुई हत्या मामले में भी ये दोनों बदमाश वांटेड थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।